मुर्गा पंचायत के मुखिया मुर्दाबाद, वरील पांडे मुर्दाबाद, वरील पांडे मुर्दाबाद। हम हूँ लूटी तूहू लूटा, लूटे के आजादी बा, आ सबसे अधिका उहे लूटी जेकरा पंचायत में सबसे बड़का खादी बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। और आज हम मुजफ्फरपुर जिला के इस आवास के पास खड़े हैं। इस आवास को बनाया गया है जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा, और इसलिए बनाया गया है कि इनके क्षेत्राधिकार में लगभग 40 लाख जनता को कोई समस्या होगी तो यहां से बैठकर वो चिल्लाएंगे और सामने जिलाधिकारी का कैंपस से आवाज वहां तक चला जाएगा और शायद वो सुन लेंगे और सुनने के बाद जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। सवाल तब खड़ा हो गया कि यह 300 दिन यहां चिल्लाने वाले लोग आते हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। अब नहीं होने की स्थिति में लोग जो है इनसे भी बड़े जनता का जो ठेकेदार है पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके दरवाजे चले जाते हैं। लेकिन सवाल बनता यह है कि भारत में लोकतंत्र में जनता मालिक है और व्हाइट कॉलर पहनने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं वो नौकर हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि देखिए मालिक जो है यहां पर न्याय मांगने बैठा हुआ है और न्याय मांगने इसलिए बैठा हुआ है कि इसका नौकर चोर है। अब इसका नौकर चोर क्यों है? तो नौकर चोर इसलिए है कि भारत सरकार ने एक योजना निकाला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसमें मनरेगा के तहत प्रत्येक बेरोजगारों को 100 दिन काम देना है और उसमें एक निर्धारित शुल्क भी है। और वो इसलिए देना है कि ग्रामीणों को जो बेरोजगार है उनका घर गृहस्थी आराम से चलते हैं। लेकिन जिन नौकरों को इन्होंने अच्छा समझकर चुना वह नौकर जो है चोर हो गया। अब उसकी भी मजबूरी है, मजबूरी यह है कि वह चुनाव में अनाधुन रुपया खर्चा करता है और यही जनता उसको वोट भी देती है। वो बड़ा ये जो जनता है ना उसी नौकरों का बड़ा तारीफ करती है। कहे तारीफ करती है कि बढ़न बढ़न गाड़ी से चिकन चिकन कपड़ा पहन के इनके पास आता है, इनको लगता है कि यह हमर मसीहा है। लेकिन इन बेचारों को समझ में नहीं आता है कि ये जो हमरा के मीट मछली या मुर्गा खिलाया है ना तो कैसे वसूलेगा। सवाल तब होता है कि जब इनकी समस्याओं पर कोई सुनने वाला नहीं होता है और घोटाला होता है। यहाँ पर ये तमाम जो लोग घोटाले बाज मुखिया के विरोध में बैठे हुए हैं और किसके यहाँ बैठे हुए हैं तो जिला के सबसे सुप्रीमो ठेकेदार जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर के आवास कार्यालय के समक्ष। कहाँ आए हैं आप लोग, क्यों आए? डीएम साहब का नाम है मनरेगा में जो मनरेगा मजदूर को नहीं लगाकर और जेसीपी ट्रैक्टर से काम कराया जा रहा है और 100 दिन के बदला में 5 दिन काम करवाया जा रहा है जिनमें से 2-3 दिन का पैसा भेजकर, और बाकी जो जॉब कार्ड अपने लोग को खुरवाए हैं खास लोग को मुखिया जी और उसमें पैसा डलवा कर निकलवा सके। और अभी जो अभी और पंचायत में जो काम हुआ है जिसे रिपेयरिंग उपेयरिंग का काम है पंचायत भवन में, वो में जो 10 लाख का योजना है जिसमें 2 से 1 लाख रुपया लगा है और बाकी पैसा अपने खाता में रख चुके हैं। इससे पहले आपने लिखित में कहाँ कहाँ शिकायत किया था? इससे पहले हम लिखित में ब्लॉक में वीडियो साहब के दिए थे और तमाम और पदाधिकारियों के दिए थे जो मनरेगा विभाग में हो, जिला में भी हम विकास उपायुक्त के दिए थे। कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कार्रवाई में एक बार गए थे जिसमें मुखिया के दरवाजे पर ही खान पीन कर लौट गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नीरज कुमार पासवान। इस आंदोलन से कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? इस आंदोलन से कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आगे जाने की कोशिश करेंगे। क्या मांग करते हैं जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर से? जिला अधिकारी महोदय से मांग करते हैं गरीबों को रोजगार दिया जाए और जो ट्रैक्टर जेसीपी से काम हुआ है और पंचायत में जो योजना आती है उसको गरीबों तक पहुंचाया जाए और जो मुखिया जी ट्रैक्टर जेसीपी से काम करवाए हैं और गरीबों को नहीं दिया उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए और अपना स्तर से जाँच किया जाए। पर्चे बताइए। मेरा नाम नीरज कुमार पासवान हुआ, मैं ग्राम मैसाहा पंचायत मणिफुल कहाँ और थाना काटी और जिला मुजफ्फरपुर। क्या कहिएगा, क्यों आप लोग आए हैं घर द्वार बाल बच्चा छोड़कर यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर?
हम तो आए हैं काम रोजगार के लिए। रोजगार के लिए? हाँ। आप बेरोजगार है? हाँ बेरोजगार है। रोजगार आपको नहीं मिल रहा? नहीं मिला है। तो डीएम साहब से रोजगार मांगना है? हाँ मांगने आए हैं। अच्छा, घोटाला हुआ है आपके पंचायत में? हाँ घोटाला हुआ है। कार्रवाई नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। किसके ऊपर होना चाहिए? मुखिया के ऊपर होना चाहिए, मेंबर के ऊपर होना चाहिए। मेंबर तो मुखिया का अथी है, वार्ड सदस्य। हाँ तो अच्छा, जे मान के वार्ड करता है, जो मुखिया करता है, मुखिया कहता है वार्ड करता है। अच्छा, कार्रवाई नहीं होगा तो क्या कीजिएगा? आगे बढ़ेंगे। किसके यहाँ जाइएगा? डीएम कौन जाएंगे? डीएम के यहाँ तो आए हुए हैं। आए हुए हैं ना, तो फिर सरकार कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। ऊपर जाइएगा। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमका नाम हुआ सुनैना देवी। सुनैना देवी, क्या कहिएगा इस आंदोलन पर? बोले नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। देखिए ये लोग आए हुए अधिकार मांगने और हमारे कैमरा पर नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी डरी हुई जनता है और डर से नहीं बोल रही है कि मुखिया जी जो है इन पर कोई हमला ना करवा दे। और ये मुखिया है फुलकाहा मणिपुर के, और इनके द्वारा जो है मनरेगा योजना में ट्रैक्टर और टाली और किसी भी मशीन से काम नहीं लेना है। इसके पश्चात भी जो है यह काम इसलिए ले रहे हैं ताकि लेबर का पेमेंट बच जाए और उनका जो है छतदार मकान चमकने लगे। फिलहाल ये मामला जांच का विषय है और पदाधिकारी जो जिलाधिकारी महोदय हैं कितना निष्पक्ष जाँच करेंगे इस पर या तो समय तय करेगा। लेकिन इन गरीबों को अगर कोई सुनने वाला है तो केवल मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी और उनके अलावा ये लगता नहीं है कि इनको न्याय मिलेगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।